आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तक का विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, और जो किसका है लिए है कक्षा आठवीं, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत आपका जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग तीन बताएंगे। कौन सा बताएंगे आपको? भाग तीन क्या है उसके बारे में समझाएंगे। भाग तीन क्या है? भाग तीन में दिया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन। इसका अध्याय एक भारतीय संविधान लेके आएंगे। कौन सा अध्याय लेके आएंगे? अध्याय एक भारतीय संविधान लेके आएंगे। और भारतीय संविधान से क्या संबंध है, संविधान क्या है, संविधान सभा के निर्माता कौन है, संविधान कब लागू हुआ, ये सभी बातें इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताएंगे। चलिए भारतीय संविधान, इसका पहला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर महात्मा गांधी और डी नंबर लाला लाजपत राय। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर मीन्स क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। और संविधान कब लागू हुआ था? संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा, इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे देंगे आपको। इसके बाद सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे? सेकंड प्रश्न है संघवाद से क्या आशा है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर देश में एक से अधिक संघों के होने से है, बी नंबर देश में एक से अधिक राज्यों के होने से है, सी नंबर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से है, और डी नंबर दिया देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों के होने से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर देश में एक से अधिक संघों के होने से है। संघवाद का आशय क्या है? किसी देश में एक से अधिक संघों के होने से है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन कह रहा है देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। प्रश्न क्या है आपका? देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह है ए नंबर साहित्यिक संग्रह, बी नंबर संविधान, सी नंबर ऐतिहासिक दस्तावेज और डी नंबर संग्रहालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर संविधान। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और बच्चों ये प्रश्न आपकी जो राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तीन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है? संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर प्रेस। प्रेस जो है संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर चार कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर पाँच। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न क्या है? किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप उत्तर बताएंगे। किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के या जरूरत पड़ने के प्रमुख कारण निम्न है। नंबर एक क्या है? न्याय की स्थापना। न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या जरूरी है आपका? संविधान जरूरी है। नंबर दो, आदर्शों को सूत्रबद्ध करने के लिए, जो आदर्श होते हैं उनको सूत्रबद्ध करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी और क्या जरूरी है? संविधान जरूरी है। तीसरा नंबर, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर छः। नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बुक में 2006 भी बताया है, उसी बुक में फिर 2008 भी बताया है। तो इसके साइड में जो दिया है कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ, यानी कि राजा का जो राज्य था या राजाओं के राज्य चल रहे थे वो कब खत्म हुए, तो आपको इसका उत्तर बता देना है कि 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। क्योंकि इस जो बुक दी हुई है, इस बुक में इसके बारे में दिया था। क्या दिया है आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप इसके पृष्ठ क्रमांक 6 पे जाइए। आपकी जो सामाजिक राजनीतिक जीवन तीन पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक किस पे जाना है हमको? 6, पृष्ठ क्रमांक 6 में देखिए। उसमें ये क्या कहा है इसकी, इसमें ये भी कहा है कि इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। और उसी प्रश्न पे दिया है 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लेंगे बुक में भी दिया है इसका आंसर। नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ, तो आप इसका उत्तर ये भी चाहिए, 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न क्या है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? हम उत्तर बताएंगे यहाँ। चलिए इसका उत्तर क्या है, नेपाल में पहले से जो संविधान था उसकी कार्यकारिणी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थीं। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। इस प्रकार आपका एक प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया? प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो आप इसका उत्तर बता देंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यानी कि आपको 18 दिन मीन्स 12 महीने होने के लिए आपको 12 दिन कम थे, यानी कि 3 वर्ष कंप्लीट हो जाते कब यदि 12 दिन और काम चलता। तो इसका कितना समय लगा निर्माण करने में, कितने वर्ष लग गए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9, संघवाद से क्या तात्पर्य है? आप उत्तर बताएंगे, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी, तो पंचायती राज व्यवस्था शासन का भी तीसरा स्तर है। तो इस प्रकार किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक यानी सभी को मताधिकार देने का अधिकार है, इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका उत्तर हमने बताया है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। क्या कह रहा है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखो, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो देखिए संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं, एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। और फिर क्या कहा है आपके प्रश्न में, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? आप उत्तर बताएंगे, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? तो आप उत्तर बताएंगे, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें, इसलिए ये नीति निर्देशक तत्वों का खंड को जोड़ा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 14 और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और इस अध्याय का भी, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न था आपका, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कौन कौन से 6 हैं, चलिए देखते हैं। पहला समानता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार क्या हो गया हमारा, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठवां मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आपको इनके नाम लिखिए, तो ये नाम लिख के बता दिए और किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो आप इस 6 मौलिक अधिकारों में से किन्हीं 2 मौलिक अधिकार का यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन करके बताएं, तो इसका वर्णन संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। क्या कहा है संविधान में, संविधान में कहा गया है कि मानव का व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। फिर
सेकंड वाला मौलिक अधिकार को समझा हमने, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 14 को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप यहाँ से देख के। यदि आपको यह प्रश्न समझ आए या यह अध्याय कौन सा अध्याय था आपका, अध्याय एक हमारा संविधान, ये समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।